स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मिल्टन के ड्यूओ डीएलएक्स 1800 थर्मस की। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, मुझे 1250 रुपये का पड़ा। मैं आपको बिल दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको ऑनलाइन पे करते तो 50 रुपये का कैशबैक आपको अमेजोन पे पर मिलता। ये रहा बिल, जिस पर कि 0.94 किलोग्राम्स का है। ब्लू डार्ट, ब्लू डार्ट जो कुरियर कंपनी मैंने उससे मंगवाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है जो मैंने मंगवाया है, वही है या फिर कुछ और है। इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं। ये रहा बॉक्स, बॉक्स बिल्कुल कबाड़ा हो गया है। और उम्मीद करते हैं इसके अंदर का जो सामान है वो ठीक हो। बाहर से अगर देखा जाए तो डीओ डीएलएक्स का जो मॉडल है 24 घंटे ठंडा और 24 घंटे कोल्ड एंड हॉट दोनों रखता है। ये 1.8 ml का है। एक बहुत खास बात ये है ना कि ये हैमिल्टन कंपनी का बना हुआ है और हैमिल्टन का ही शॉर्ट फॉर्म मिल्टन है। कैपेसिटी 1.8 लीटर की है, 1.7 लीटर की नहीं। ये मैं आपको बताता चलूँ, जो पैकेट है 2018 नवंबर में किया गया था। 1684 रुपये की MRP है। ये बिल्कुल अंदर से दिखता है, मुझे ग्लास नहीं मिला साथ में। ये कॉपर का कोटिंग है जो कि हीट रिटेंशन के लिए है। 100% रस्ट फ्री स्टील और इनसाइड कॉपर कोटिंग फॉर बेटर रिटेंशन। बिल्कुल इस बॉक्स के साथ जो कप है वो भी मुझे नहीं मिला। अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये रहा जो बॉक्स है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस बॉक्स को। पहले डब्बे को देख लें, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा, खाली बोतल। अब ज़रा इस बॉक्स को देखते हैं। बाहर से तो क्वालिटी अच्छी लग रही है, जो कवर है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। मिल्टन का जो ब्रांड इसके ऊपर लगा हुआ है, तो शायद यही देखकर मैंने ख़रीदा है, क्योंकि मिल्टन जो है अच्छी अच्छा प्रोडक्ट बनाता है ये कंपनी। मिल्टन थर्मोस्टील रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। अभी मैंने यूट्यूब में ही रिव्यू से ये चीज़ देखा। चेन जिप तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका। अब देखते हैं ज़रा कि इसके अंदर में क्या है। जो प्रोडक्ट है वो वही चीज़ है या फिर बैग अच्छा लग रहा है, स्टडी है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मछली के जैसे फिश स्किन। बॉटल को अगर बाहर निकाल कर देखें काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल कलरफुल। एयर बैग में इसको बंद किया गया था। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। मिल्टन थर्मोस्टील का ट्रेडमार्क जो कि इस पर लगा हुआ ही है। पीछे अप्रैल 2018 मिशारी पर ये बना है मिल्टन थर्मोस्टील, जो कि अपने ट्रेडमार्क को कभी भी नहीं छोड़ता। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनका। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। एक बढ़िया बर्तन, काफ़ी खोल कर देखें तो मैं इसको ढक्कन को दिखाता हूँ, काफ़ी थिक है, एकदम तगड़ा सा। शायद हीट रिटेंशन के लिए इसको ऐसा बनाया गया ताकि अधिक देर तक टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। मिल्टन का ट्रेडमार्क आप देख ही सकते हैं। इसके अंदर की बात करें तो ये बिल्कुल स्टील है, कहीं पर भी ज़रा सा भी प्लास्टिक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक अच्छी बात ये भी है बॉटल टाइप वाले थर्मस में कि आपको प्लास्टिक बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप 6 फीट लंबे हैं तो एक हाथ के जितना ये बॉटल होगा आएगा आपके। अब क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छी है, 2 पेन के जितनी लंबाई आती है इसके। अगर हम लोग एक नॉर्मल से पेन से इसको मेज़र करें तो अप टू ब्रिम ये 2 पेन तक आता है। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि ये वास्तव में कितना लंबा है। लगभग क्वालिटी अच्छी है, ये मेज़रमेंट के लिए मैंने रख दिया। आप इसको स्टॉप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर बॉटल के पैक की बात की जाए तो काफ़ी पैक हो जाता है, खुलता भी अच्छे से, टाइट भी काफ़ी हो जाता है। इसको और टाइट कर सकते हैं, तो आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके हिसाब से दोस्तों कुल मिलाकर बात की जाए तो एक बढ़िया थर्मस है। बैग इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको इसमें रखना चाहें तो भी जा सकते हैं, ट्रैवल के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये जो आपका थर्मस तैयार है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके आपको हेल्प करेगा। अगर आप 1.8 लीटर का मिल्टन थर्मोस्टील खरीद रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि अगर कोई बाद में कोई ख़रीदना चाहता है इस प्रोडक्ट को तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच।